अगर आप भी आईपीएल देखने के शौकीन हैं तो आपने टीवी पर ये एड जरूर देखा होगा। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। फिर आपको यूट्यूब पर कहीं सारी ऐसे वीडियोस रिकमेंड हुई होगी जिसमें लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने ड्रीम 11 पर टीम बना के करोड़ों रुपए कमा लिए। अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो 6 साल में कितना पैसा इसी से कमाया? अगर आप बोलो विनिंग की, तो विनिंग मोर देन 52 करोड़, 55 करोड़। और ये सब देखने के बाद आप भी फाइनली ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी क्रिकेट ऐप डाउनलोड कर लेते हो इस उम्मीद में कि शायद आप भी एक करोड़पति बन जाओगे। सिर्फ 50 रुपये लगा के करोड़पति बनाने का सपना दिखाने वाली क्रिकेट फैंटेसी ऐप वाली कंपनीज इंडिया में अभी तक लीगल क्यों हैं, जानेंगे आप इस एपिसोड में। वेल, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको क्रिकेट के फैंस हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, और इंडिया में लोग क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं और सबके क्रिकेट को लेकर अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी ढंग से बैट भी नहीं उठाया वो लोग भी अपने ओपिनियंस रखते हैं, और लोगों के इसी माइंडसेट का फ़ायदा ये ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप्स उठा रहे हैं। ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन ने इंडियन ऑडियंस के इसी माइंडसेट को ऑब्जर्व किया था और फिर उन्होंने इंडिया में फैंटेसी गेमिंग ऐप ड्रीम 11 को 2008 में लॉन्च कर दिया था। ये वही टाइम था जब इंडिया में आईपीएल भी लॉन्च हुआ था। अब ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल की बात करें, इस ऐप पर लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसी गेम्स पर अपनी टीम बना के दूसरों की टीम से कॉम्पीट कर सकते हैं, और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको पॉइंट्स मिलते हैं। जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। खेलने के लिए ड्रीम 11 में काफ़ी टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे फेमस है इसमें मेगा कॉन्टेस्ट, जिसकी एंट्री फीस केवल 49 रुपीज़ होती है और जीतने वाले विनर को मिलते हैं पूरे 2 करोड़ रुपये। ड्रीम 11 का हर कॉन्टेस्ट में 20% का कमीशन होता है, जो ड्रीम 11 कंपनी का इनकम सोर्स है, और 20% कमीशन इतना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में ड्रीम 11 ने 141 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस कंपनी की आज वैल्यूएशन $8 बिलियन है, और ये इंडिया की यूनिकॉर्न बनने वाली पहली फैंटेसी गेमिंग ऐप भी है। ड्रीम 11 ऐप इतना एडिक्टिव है कि आज इसके मोर देन 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जो हर साल बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेम इतना ही एडिक्टिव है तो इसे गैम्बलिंग ऐप बोल के इंडिया में बैन क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों ड्रीम 11 को प्ले स्टोर पर से इजीली डाउनलोड कर पा रहे हैं? क्यों बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं? वेल, ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिकेट फैंटेसी ऐप एक लक का खेल नहीं है, बल्कि एक स्किल का खेल है, और इसी कंसेप्ट को ड्रीम 11 भी अपनी टैगलाइन में यूज़ करता है, जो है खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 के और भी इंडिया में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि माई 11 सर्कल, MPL एंड इवन क्रिक पे, जिसे अश्नीर ग्रोवर ने रिसेंटली लॉन्च किया है, और क्रिक पे के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में फैंटेसी गेमिंग ऐप वाला कंसेप्ट कितना पॉपुलर हो चुका है। लेकिन ये फैंटेसी ऐप एडिक्ट्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप इन न्यूज़ आर्टिकल्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।